तो आइए जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन हैं जिनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिएगा अंडर रूट के कुछ क्वेश्चन जिसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, देखिएगा क्वेश्चन 3 + √3 और यहाँ पे हमारा 2 + √2, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, बारी बारी से हम लेते हैं, इसको हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए जब इसको हम क्या करेंगे, सिंप्लीफिकेशन करना है, इसको सिंप्लीफाई या सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना है या सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा आप, तो आप लोग जो है स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, और आप बस कंटिन्यूटी पढ़ाई में बनाए रखिएगा। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा नहीं बात करते। तो देखिएगा सिंप्लीफिकेशन करना, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई होते हैं, तो मैंने एक बार आपको बताया था कैसे मल्टीप्लाई होगा, उसी का यूज कर लीजिए। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 का इसमें मल्टीप्लाई करें। जब 3 का करेंगे तो 3 2 जा कितना होगा, 6 होगा, और 3 का जब अंडर रूट मल्टीप्लाई होगा, 3 √2 इस तरीके से लिखेंगे। फिर अब ये हो गया पहला, फिर उसके बाद 3 √3 का 2 में करेंगे तो 2 √3 हो जाएगा, और प्लस आगे 3 का जब 2 में करेंगे, जब दोनों रूट सेम होता है तो आपको क्या करना है, एक ही रूट लगा के यहाँ दोनों अंदर 3 2 जा 6 लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या करना है, 3 का 2 में करेंगे 3 2 जा 6, इस 3 का √2 में करेंगे, मल्टीप्लाई अंदर नहीं होगा, 3 बाहर रहेगा, √2 ऐसे लिखना, 3 √2। फिर √3 का जब 2 में करेंगे तो 2 बाहर रहेगा, √3 ऐसे अंदर रहेगा, √3 √2 का जब मल्टीप्लाई √ रख के 6 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 + ये दोनों अगर सेम रूट होता तो ऐड होता तो ऐसे छोड़ देना है, तो 3 √2 ये आपका हो गया है। आगे इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते तो ये सॉल्व नहीं होगा, आगे आपका आंसर यही आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। तो आइए आप देख लेते हैं, दो सेकंड क्वेश्चन क्या है, आइए हम लोग देख लेते हैं फटाफट। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 3 + √3 और यहाँ हमारा हो गया 3 - √3, ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है ना, सेकंड यहाँ पे है, चलिए थर्ड भी लिख देते इसी समय। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन हमारा है √5 + √2 है, कॉम्पिटिटिव में आपका याद आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया कितना, √5 - √2 और आपका हो गया कितना, √5 + √2। ठीक है ना, आइए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देख लेते हैं पहले कैसे। देखिएगा यहाँ पे कितना है, ये हम लोग का तो सॉल्व हो गया कि यहाँ पे हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे। क्या याद रखना है कि 3 का जो है √ के अंदर नहीं मल्टीप्लाई होगा, ना तो √3 के अंदर, ये जो नंबर होगा बाहर होगा, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसका करिए, यहाँ पर देखते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करें, इसमें फार्मूला भी लगेगा, a² - b² का फार्मूला लग जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर चेक करते हैं, 3 का 3 में करेंगे 3 3 = 9 होगा, 3 का जब √ में करेंगे तो 3 √3 इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, फिर √3 का जब 3 में करेंगे तो यहाँ प्लस 3 √3 हो गया यहाँ पे, और इस √3 का इस √3 में करेंगे तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस हो जाएगा, और 3 3 जा यहाँ 3 का यहाँ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 होगा। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस, यहाँ कट के इसे हो गया, और 9 - यहाँ √3, 9 का √2 कितना होता है तो 3 होता है, तो ये हमारा 3 आ गया। ओवरऑल जो आपका वैल्यू आएगा 6 9 में से 6 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 6 आ गया। एक तो ये मेथड होगा, दूसरा इसमें a² - b² का फॉर्मूला लगा देंगे तो 3 का² - √3 का² ऐसे करेंगे तो 3 का² हो जाएगा 9, और √3 का जब स्क्वायर करेंगे, आपको बताया था 2 बार जब मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 3, तो अगर 9 - 3 = 6 तब भी यहाँ पे इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, आए समझ में। देखिए चलिए इसको देख लेते हैं, यहाँ कितना है, ये पहले से होल स्क्वायर दे रखा है। तो देखिए होल स्क्वायर के लिए a + b का होल स्क्वायर आपको फार्मूला याद होना चाहिए, या तो ये करिए या तो इसी का 2 बार लिख के ऐसे यहाँ लिख देते हैं, √5 + √2
और अंडर रूट फाइव प्लस अंडर रूट टू ऐसे लिख के आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तब भी सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट फाइव अंडर रूट मल्टीप्लाई फाइव करेंगे, अंडर रूट अंदर ही क्या हो जाएगा, फाइव फाइव या 25 हो जाएगा। फिर प्लस अंडर रूट फाइव का अंडर रूट टू के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा, फाइव टू या 10 होगा। फिर अंडर रूट टू का अंडर रूट फाइव के अंदर मल्टीप्लाई अंडर रूट 10 हो गया। फिर अंडर रूट टू का अंडर रूट टू का मल्टीप्लाई अंडर रूट में कितना होगा, फोर हो गया। इसका स्क्वायर रूट 25 का हम लोग जानते हैं पाँच होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने के लिए यही साइन का यूज करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं अंडर रूट 10 सेम है और रूट भी सेम है, इसलिए 2 अंडर रूट 10 लिख सकते हैं। और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और बाद में हमने 5 2 ऐड करना 7 और प्लस 2 अंडर रूट 10 हो गया। तो ये हमारा आंसर इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यहाँ फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, और यहाँ होता है आपका ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। तो अगर अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, इसका मतलब ये फार्मूला इस पर लग जाएगा तो आपका होगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो आपको आगे क्या यूज कर देना है, यहाँ अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 और अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा। तो 5 में से 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया आपका आंसर, ठीक है ना। आया समझ में, करना क्या है, तो आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप याद रखना है कि सेम रूट होगा, सेम रूट होगा तो मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सेम रूट होगा तब मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सेम क्या होगा, नंबर होगा अगर, तब क्या होगा, अंडर रूट से क्या हो जाएगा, वो रिमूव होके बाहर आ जाएगा, अंडर रूट नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो आपको करना क्या है, को इजीली जो है आप जो है कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और फार्मूला भी वैसे लग जाएगा जैसे मैंने बताया, तो आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा क्या इसमें है, ठीक है। आए समझ में, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिए।